मुरादाबाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित पीतल उद्योग केंद्र के रूप में जाना जाता है, इसलिए शहर को पीतल नगरी या सिटी ऑफ ब्रास भी कहा जाता है। दोस्तों, वेस्ट यूपी में रामगंगा नदी के किनारे बसा यह जिला 3518 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। इसी कारण यह शहर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, जहां विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों के करीब 5 मिलियन नागरिक रहते हैं। इसी वजह से यहां हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी सबसे आम भाषाएं हैं। दोस्तों, मुरादाबाद शहर पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग के लिए और बड़ा मार्केट बनता जा रहा है। यहाँ आधुनिक कारीगरों द्वारा बनाए गए आकर्षक और कलात्मक पीतल के बर्तन, कहने पीतल की मूर्तियाँ और ट्राफियाँ यहाँ की मुख्य शिल्प है, जिनका निर्यात केवल भारत में ही नहीं अपितु अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और मध्य पूर्वी एशियाई देशों में भी किया जाता है। दोस्तों, जिस मुरादाबाद शहर को आज हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, वो प्राचीन काल में पांचाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था और मुरादाबाद को मध्यकाल में चौपला नगर कहा जाता था, जिस पर हर काल में अनेकों राजाओं ने राज किया था। और मुरादाबाद का ये नाम सन 1600 में मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर रखा गया था। तब से लेकर आज तक इस शहर को मुरादाबाद के नाम से ही पुकारा जाता है। दोस्तों, आज मुरादाबाद शहर तेजी से विकसित हो रहा है। आज मुरादाबाद में बड़ी संख्या में निजी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो आसपास के गांवों और कस्बों के निवासियों को भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा यहां कई सारे शिक्षण संस्थान भी हैं, निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज और महाविद्यालय मौजूद है। तथा 2022 आंकड़ों के अनुसार मुरादाबाद जिले की कुल जनसंख्या 50 लाख के लगभग है। दोस्तों, भारत के अन्य शहरों और कस्बों की तरह यहां भी मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल है, जैसे सीता मंदिर, बड़े हनुमान जी मंदिर, चंदौसी मंदिर, साई मंदिर, पातालेश्वर मंदिर और शनिदेव मंदिर यहां के मुख्य मंदिरों में से एक है। फ्रेंड, मुरादाबाद शहर जैसे बिजनौर जिला, बदायूं जिला, रामपुर जिला और ज्योतिबा फुले नगर जिला से घिरा हुआ है और इस जिले में कुल 4 तहसीलें हैं, जैसे मुरादाबाद तहसील, बिलारी तहसील, कांत तहसील और ठाकुरद्वारा तहसील है और 6 विधानसभा की सीटें तथा 17 कस्बे और 1793 गांव हैं। यह जिला दिल्ली से लगभग 147 किलोमीटर व उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 344 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम की दिशा में है। दोस्तों, ये शहर पीतल उद्योग केंद्र होने के साथ ही कृषि उत्पादों का व्यापार केंद्र भी है, क्योंकि यहाँ कपास और गन्ने की खेती के साथ ही चीनी मिल और सूती वस्त्र निर्माण यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। मुरादाबाद शहर सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा भारत के कई प्रमुख शहरों जैसे मथुरा, दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और आगरा आदि से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड, इनके अलावा मुरादाबाद में घूमने के लिए कई सारे खूबसूरत स्थल मौजूद है। यहाँ स्थित प्रेम वंडरलैंड पार्क आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक मनोरंजन पार्क है। यह फैमिली के साथ छुट्टियां एंजॉय करने के लिए शानदार जगह है। यह रामपुर रोड पर स्थित है, जहां जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रेम वंडरलैंड के पास एक डियर पार्क भी है, जो कई एकड़ जंगल में फैला हुआ है। यह पार्क हिरण, बत्तख और मगरमच्छ जैसे कई जानवरों का ठिकाना है तथा पार्क में 13 किमी का एक जॉगिंग ट्रैक भी है। इसके अलावा यहाँ एक भव्य जामा मस्जिद भी है, जो काफी पुराना है। कहा जाता है कि मुगल गवर्नर रुस्तम खान ने 1631 में इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों, अगर आपको अपने शहर या जिले की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।